बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का ताल्लुक भी आपकी सेहत से ही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मेडिसन टैबलेट फार्म, कैप्सूल फार्म या किसी और भी फार्म में जो हम ओरल इस्तेमाल करते हैं, उसे हमेशा पानी के ही साथ इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पानी ज़्यादा ठंडा और पानी ज़्यादा गर्म ना हो। उसका टेम्परेचर हमारे रूम टेम्परेचर के मुताबिक हो, यानी हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हो, या वो हमारी मेडिसिन को बहुत अच्छी तरह हमारे जिस्म में अब्जॉर्ब कर सकता है। तो दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि अक्सर मेडिसिन को बहुत से लोग ऐसे हैं, शायद आप भी ऐसा करते हों, कि पेप्सी वगैरह, किसी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोई भी लिक्विड फ्लूड इस्तेमाल, जूस वगैरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है कि कोई मेडिसिन ऐसी होती है जिसे दूध या कोई जूस वगैरह से इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, या डॉक्टर आपके मुस्तैद डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपने इस चीज़ से इस्तेमाल करना है। वो तकरीबन सारी मेडिसिन को जो इस्तेमाल करने के लिए हमें दी जाती हैं, जिसके बारे में कुछ ना बताया जाए कि इसे आपने स्पेशली तौर पर दूध या जूस से इस्तेमाल करना है, उसके अलावा जो भी मेडिसिन है उसे हमेशा पानी के साथ ही इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही होती है, उसे मुख्तलिफ लोड के साथ इस्तेमाल किया जाता है कि ये कोई साइड इफ़ेक्ट ना करे। लेकिन दोस्तों, पानी या वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो कि पूरी दुनिया में एक ही तरह से मिलता है। मसलन कि अमेरिका, अगर अमेरिका का पानी है या किसी और मुल्क का पानी है, सऊदी अरब का, जो भी पानी है, आम पानी जो पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में है, उसके मालिक्यूल और उसकी कसाफत, उसकी ग्रेविटी, हर चीज़ जो भी है वो एक ही जैसी रहती है, वो चेंज नहीं होती। हाँ, अगर मुख्तलिफ कंपनियां मिनरल वाटर वगैरह बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट मिक्स करने की वजह से वो थोड़ी चेंजिंग आ जाती है, लेकिन जो पानी की असल तस्वीर या जो पानी का मकसद है वो सिर्फ़ एक ही है। तो इसलिए जब ये रिसर्च होती है तो इस रिसर्च में यही बताया जाता है, आखिर यही नतीजा निकलता है कि इस मेडिसिन को पानी के साथ ही इस्तेमाल करें। कहीं पर यह रिसर्च अगर होती है कि उसको किसी सॉफ्ट ड्रिंक या किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर दिया किया गया है, उसका ये साइड इफ़ेक्ट हुआ था, वो दायरा से लिखी होती हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जब भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर दूध या जूस से इस्तेमाल या किसी और चीज़ से इस्तेमाल करने का कहा गया है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर नहीं बताया गया तो मेडिसिन को हमेशा पानी के साथ ही इस्तेमाल करें, किसी और चीज़ के साथ इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप उस मेडिसिन टैबलेट, कैप्सूल या किसी भी चीज़ के मुकम्मल फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और उससे आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।